यूनिवर्सिटी में आज पदवीदान समारोह का आयोजन किया गया था। टीमलेस स्किल यूनिवर्सिटी में आज दूसरा पदवीदान समारोह आयोजन यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में रखा गया था। टीमलेस स्किल यूनिवर्सिटी छात्रों को थियरी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, साथ ही यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज के साथ बैठकर करिकुलम सेट करता है ताकि इंडस्ट्री की क्या डिमांड है वो पता लगे और उसी हिसाब से छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है। आज इस टीमलेस स्किल यूनिवर्सिटी में 6 छात्रों को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, साथ ही 29 जितने छात्रों ने आज डिग्री हासिल की है। आज इस पदवीदान समारोह कार्यक्रम में लाइफलाइन फाउंडेशन के CEO पद्मश्री डॉक्टर सुब्रतो दास खास उपस्थित रहे थे। टीमली स्किल्स यूनिवर्सिटी का आज सेकेंड कॉन्वोकेशन रखा था हम लोगों ने, इसमें 84 स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, उसमें से 64 बच्चों को जॉब्स मिल गए हैं। ये स्टूडेंट्स जो हैं हमारे 5 या 6 डिपार्टमेंट्स के हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेकेट्रॉनिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंस है और डिपार्टमेंट ऑफ IT IT EMS है। हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी बच्चा हमारे प्रोग्राम से पास आउट हो वो ये इस हिसाब से पास आउट हो कि उनको नौकरी इमिजिएटली मिल जाए और अच्छी नौकरी मिले, वो अच्छा काम कर सकें और इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी दिखाएँ, तभी जाके उनका ये जो पढ़ाई की उन्होंने हमारे साथ 3 साल के लिए उसका मतलब बनेगा। आलो को जरा मैंने बुलावा आया है यहाँ तो मैंने बे वस्तु ध्यान में आवियो। एक अपने इंडिया ने स्किलिंग नहीं बात करिए छे, अपने कहिए छे कि इंडिया में स्किल डेवलपमेंट करो, ITIs छे ने बधु छे, नरेंद्र मोदी जी जाते स्किलिंग माटे कहे छे, अने आप कदाच एकमात्र जगह छे यूनिवर्सिटी टाइप जहाँ स्किलिंग पर आटलू एम्फेसिस छे। आज सुधी जो स्किलिंग नी बात करिए छे इंडस्ट्रीज में का तो ITIs में आप पहले संस्था छे जे डिग्रीज आपे छे, डिप्लोमास आपे छे ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग।